गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। हम लोग लगातार नए नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हमारा पाठ्यक्रम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। धीमी गति से इसलिए कि हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, फिजिकली अभी क्लासेज स्टार्ट नहीं हुई है और वीडियो क्लासेज की या वीडियोज की एक लिमिट होती है। बहुत लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। फिल्में हम लोग 3 घंटे की भी देख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो 10 मिनट के बाद में हमें उबाने लगता है। खैर, मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रही हूँ, पढ़ने के मामले में लगभग लोग ऐसे होते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पर बात करें तो बीए के सेकंड पेपर में उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित कहानी हम पढ़ रहे हैं। आज उस कहानी का आखिरी हिस्सा पूरा करना है, उसके बाद में हम किसी और कहानी के साथ में नए वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे। कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा ने जो लिखी, हिंदी कहानी में कालजयी स्थान रखती है। इस कहानी के बारे में लगातार मैंने आप लोगों को बताया है। लहना सिंह और सूबेदारनी के बाल सुलभ प्रेम को अंत में अपने प्राण देकर भी किस तरह लहना सिंह ने निभाया, ये इस कहानी के इस हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गए हैं। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर आ गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज अलार्म पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी अलार्म पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। यहाँ तक हमने कर लिया था कि उस घटना के 25 साल बीत गए, लहना सिंह सिख राइफल्स में जमादार की नौकरी पा गया, जमीन वगैरह के कामकाज के लिए अपने गांव आया था। अचानक फौज से चिट्ठी आ गई कि फौज जा रही है लाम पे युद्ध लड़ने, आप वापस आओ। साथ ही इसके सूबेदार की, इसके सीनियर की चिट्ठी मिली कि मेरे घर आ जाना, यहाँ से साथ चलेंगे। ऑन द वे सूबेदार का घर था, लहना सिंह वहां जाता है। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। जब ये लोग फौज के लिए चलने लगे तो सूबेदार ने कहा कि सूबेदार ने तुमको जानती है लहना, अंदर जा और उससे मिल के आ जा। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। रेजिमेंट के क्वार्टर में फैमिली रहती है जवानों की, लेकिन सूबेदार तो अपनी फैमिली को कभी नहीं लाया। दरवाजे पर जाके माथा टेकना कहा, नमस्कार, अभिवादन और आशीष सुनी। सूबेदारनी की आवाज भी सुनी, रुक रुक जियो। लहना सिंह चुप, इधर से पैरी पौना हो गया, उधर से प्रत्युत्तर हो गया। अब लहना सिंह कुछ क्या कहे जानता ही नहीं। मुझे पहचाना, भीतर से आवाज आई, यानी कमरे के अंदर से सूबेदारनी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे पहचाना नहीं। बाहर से लहना सिंह का जवाब गया छोटा सा, नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत तल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, डॉट डॉट डॉट। 3 लाइन एक साथ बोल गई कि तेरी कुड़माई हो गई, धत तल हो गई, देखते नहीं ये। और वापस वर्तमान में आया, जहां लहना सिंह बोधा को बचाने के लिए
अपने गरम कंबल दे चुका था, गरम कोट दे चुका था, और घायलों की गाड़ी में सूबेदार को भी भेज दिया, अपनी जख्मी स्थिति को छुपाया। वह लहना मरणासन लहना सोच रहा है, सब भावों ने भावों की टकराहट से मूर्छा टूटी। इधर से उधर से जो इतनी बातें दिमाग में आई, थोड़ी सी मूर्छा टूटी, बेहोशी कम हुई, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। पसली में जो घाव था वो मवाद और खून बह निकला, वजीरा पानी पिला, बहुत मरने की स्थिति में धीरे से वजीरा पानी पिला, पानी पिलाया। स्वप्न चल रहा है, सपने में ही सोच रहा है, जो सबसे ज्यादा करीब महसूस हुई देखिए उसको मृत्यु के समय भूल नहीं पा रहा, जिससे कभी मिला नहीं दोबारा, जिससे नाम देने के लिए कोई रिश्ता नहीं जोड़ा कभी, जिससे इसने जिंदगी में एक बार उम्मीद नहीं की कुछ पाने की, दोबारा मिला, लेकिन दोबारा वो सूबेदार की पत्नी के रूप में मिली, बोधा की माँ के रूप में मिली, इसको तो कुछ पता भी नहीं था। वह सूबेदारनी इसके सामने घूम रही है इस स्थिति में, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, जब ये इसके घर गया था तो जो बात हुई वो अंतिम पैरे के साथ साथ इस तरह चल रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, तुझे तो मैंने आते ही पहचान लिया था, आज मैं तुझे एक काम बताती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, मेरे तो भाग फूट गए। ये कहती है कि इसके पास तो इसके हाथ में कुछ नहीं, सूबेदार ढंग से लड़ा था, मेहनत की थी, बहादुरी साहस दिखाया था, तो सरकार ने उसको लायलपुर में थोड़ी जमीन दी थी, पंजाब में गाँव है, आज नमक हलाली का मौका आया, आज उस जमीन को पाने के लिए जो इसने कीमत चुकाई थी उसको फिर से एक बार साबित करने का कि ये डिजर्विंग था, ये जमीन इसको सही दी थी सरकार ने बहादुरी के नाम में, मौका आया। पर सरकार ने हम तीनियों की एक घरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, लेकिन औरतों की पलटन, औरतों की सेना में भर्ती करके कोई टुकड़ी बना देती है तो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। मैं भी का प्रयोग मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बोलना इस तरह कि सूबेदारनी कहती है कि वो भी चली जाती, अगर घघरिया पलटन होती, औरतों की पलटन होती तो वो सरदार वो सूबेदार के साथ जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ है, उसके पीछे चार और हुए पर एक भी नहीं जिया, कि एक ही बेटा है और एक ही साल में फौज में भर्ती हुए, यानी बहुत कम उम्र का है, और उसके जाने के बाद उसके बाद में उसके जन्म के बाद चार बेटे और हुए लेकिन एक भी जिया नहीं। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं युद्ध में, जा रहे हैं बाप बेटे दोनों, मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, और उसको बचपन की वो घटना याद दिलाती है जिसमें सूबेदार ने लहना सिंह ने इसको बचाया था, कि याद है कि एक बार एक तांगे वाले का घोड़ा बिदक गया था, गुस्से में आ गया था, आपा खो दिया था दही वाले की दुकान के पास, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, लहना ने उस दिन उसके प्राण बचाए थे, लिखना ऐसे है लहना ने उस दिन उसके प्राण बचाए थे, आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, खुद बचाते बचाते घोड़ों की लातों में चले गए, लेकिन ये छोटी थी इसको यूं का यूं उठाकर और दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। सूबेदारनी कहती है कि उसकी यही भिक्षा है, आंचल पसार के उसके सामने गिड़गिड़ा रही है, कह रही है ऐसा कि गिड़गिड़ा रही है, रोती रोती सूबेदारनी ओगुरी में चली गई, लहना भी आंसू पोछता हुआ बाहर आया। सूबेदारनी चली गई थी, ज्यादा बोल नहीं पाई, कंठ भीग गया, रोती हुई अंदर के कमरे में चली गई, और लहना के इस बात से आंसू आ गए आंखों में, सूबेदारनी की बातों से वो भी पोछता हुआ बाहर आ गया, लाम पे चले गए। ये सारी घटनाएं हो गई, उसकी चोट लगने वाली, युद्ध के घायलों को और मृतकों को गाड़ियां ले गई, ये यहाँ पड़ा है, और अब फिर भावों ने करवट बदली और बोलता है वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, बस उसने कहा था, इतना याद।
लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। वजीरा इसका करीब है, इसको रोक लिया था और ठीक था, वो स्वस्थ भी था। उसकी गोद में लहना का सिर है। जब मांगता है पानी पिला देता है, जब लहना बोलता है पानी पिला दे तो वो जरा सा पानी उठा के उसके मुंह में डाल देता है। लेटा हुआ वो तो ठीक स्थिति में नहीं है, उसके मुंह में पानी डाल देता है। फिर बोला नींद में ही, नींद भी क्या खुमारी बेहोशी, ज्यादा खून बह जाने के बाद की स्थिति, कौन वजीरा सिंह नींद में अपने भाई को इमेजिन कर रहा है। वजीरा सिंह ने कहा हाँ, क्योंकि वजीरा सिंह को समझ में आ रहा है कि ये नहीं पहचान रहा, कुछ समझ कर कहा हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर दे, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, थोड़ा नीचे की तब लुढ़क गया हूँ, थोड़ा और ऊंचा कर, तेरे जांग पे पुट्ठे पे सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया, हाँ अब ठीक है, ऐसे मुझे ठीक लग रहा है, पानी पिला दे बस, बस कंठ सूखता है बस बार बार। आपको ताज्जुब लगता होगा लेकिन मैं इस कहानी को जब पढ़ती हूँ आखिरी पैरा आते आते मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे लिए मुश्किल है इस कहानी को हंसते हुए पढ़ना, आंखें बिना गिली किए हुए पढ़ना, कोशिश करूंगी। पानी मांगता और बोलता है आपके जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। अपने भाई से कह रहा है कि आम जिस महीने में मेरे बेटे का जन्म हुआ था उस महीने में इस आम को मैंने लगाया था, जितना बड़ा तेरा भतीजा होगा उतना ही बड़ा यह आम है, अगले अब की जो जाड़ा आएगा उसमें यह आम खूब फल देगा, वो दोनों यहाँ बैठ कर खाना। लेकिन वो इतने आराम से नहीं कह रहा है, वो धीरे धीरे मरणासन अवस्था में है, ये आम तुम लोग खाना। वजीरा सिंह जान रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, अंतिम पल आ चुका है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, गैप आ गया कहानी में, कट कट कट, आपके पास कहानी होगी तो आप देखेंगे, किताब होगी तो ये मैटर बंद। थोड़े दिनों बाद में लोगों ने अखबार में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना से। देखिए हम सिर्फ खबर बन के रह जाते हैं। आज पढ़ रही थी हाथरस की सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की मर गई, कभी वो लड़की जीवित थी, कभी उसका घर परिवार उसकी अपनी एक कहानी, आज एक हेडिंग है वो अखबार की बस। इसी तरह लहना सिंह एक हेडिंग बन के रह गया कि जमादार लहना सिंह फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई में शहीद हुआ, लेकिन किन परिस्थितियों में शहीद हुआ, क्या कुछ उसके साथ गुजरा ये नहीं पता चलता। हम जिन चीजों पर इतराते हैं गर्व करते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें तो बहुत क्षणिक होती हैं, बहुत थोड़े समय के लिए होती है। माँ बाप हमारा बहुत अच्छा नाम रखते हैं लेकिन जैसे ही बीमार होते हैं हॉस्पिटल में हमारा नंबर क्या होता है, पेशेंट, पेशेंट नंबर इतना, पेशेंट नंबर उतना, हमारी पर्ची पे हमारा नंबर डल जाता है। अच्छी खासी डॉक्टर संजू हूँ, अभी मर जाऊं तो लोग बोलेंगे डेड बॉडी को ले चलो भाई, नाम डॉक्टर संजू से डेड बॉडी हो जाएगा, कोई नहीं कहेगा डॉक्टर संजू प्रोफेसर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी को उठाओ भाई ले चलो, नहीं, लाश डेड बॉडी। बात यह है कि हम उसके बाद भी रहना चाहते हैं तो हमें कुछ कर्म ऐसे करने पड़ते हैं कि हम दिलों में राज कर लें। लहना सिंह मरता मरता वो काम कर गया कि आज भी जब ये कहानी पढ़ाते हैं, काल्पनिक कहानी होगी बेशक लेकिन पढ़ाते हैं तो लहना सिंह के लिए मन उमड़ता है, तकलीफ होती है, कहीं दिल में कुछ अजीब सा एक चुभन आरी सा कुछ काटता है कि किस परिस्थिति में किस तरह उसने उस एक वाक्य को याद रखा कि उसने कहा था और उस वादे को पूरा किया। ठीक इसी तरह कोई हादसा हो जाता है, कुछ
अमानवीय चीजें हो जाती है तो अच्छा खासा इंसान समाचारों में बन के रह जाता है, लोगों के लिए वो महज एक खबर होती है और जिंदगियां तबाह होती है। ये तो थी हमारी कहानी और साथ में जनजीवन से जुड़ी कुछ बातें। दो नंबर के प्रश्नों के बारे में बार बार बताती हूँ, दो नंबर के प्रश्न इस कहानी से कई उठ सकते हैं। किसने किसको क्या कहा था? तो किसने, सूबेदारनी ने किसको, लहना सिंह को, अपने पति और बेटे की युद्ध में जान बचाने के लिए कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इस कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बचपना, बचपन का प्रेम, प्रेम में त्याग, सैनिकों की सूझबूझ, सैनिकों के कठिन जीवन के बारे में बताना, उनकी दिनचर्या के बारे में बताना, दुश्मन फौजों की साजिशों की झलक देना, कोमा लगा करके दो नंबर वाले में भी इसी तरह लिखेंगे। और 20 नंबर का प्रश्न का उत्तर अलग से तैयार होता है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आज हमारी ये कहानी पूरी हो गई। पूरी होने के साथ साथ एक बात बताना चाहूंगी कि ये प्लेटोनिक लव की बेस्ट कहानियों में से एक है। बिना सॉरी, आजकल छींक आ जाना भी बहुत है, खतरे का संदेश, खतरे की घंटी के रूप में देखा जाता है। लेकिन आप मुझसे बहुत दूर हैं, पहली बात तो मुझ में कोई ऐसा वायरस है नहीं और आप तक आएगा नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बिना शारीरिक आकर्षण के, बिना किसी देन लेन की भावना के, बिना किसी मोल तोल के, सर्वस्व दान करने की, सर्वस्व अर्पित करने की, जान निछावर करने की कहानियां अगर लिखी गई हैं इस विश्व में और वो यादगार हैं, तो उनमें से उसने कहा था एक है। आज हमारी कहानी पूरी हो गई। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस कहानी को सुनिए, पढ़िए, देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।